कर रहे हैं माननीय पायलट सर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य रोडासा साहब, AICC के सचिव तरुण कुमार जी, कुलदीप इंदौरा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे सांसद राज्यसभा से, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, शांति प्लीज। अभी आपने सभी नेताओं के भाषण सुने और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को कि उन्होंने आह्वान किया कि जिस मुद्दे पर पूरा देश आज विचलित है, आंदोलित है, उस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी कार्यकर्ता और किसान एकत्रित हों सिविल लाइन्स फाटक पर, और यहाँ पर जैसा हम पूरे देश में कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वैसा ही राजस्थान में माननीय गवर्नर महोदय का घेराव कर वहाँ पर अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा जाए। दोस्तों, सबके भाषण हो गए, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दो तीन बातें स्पष्ट हुई हैं। बिलों के बारे में सब नेताओं ने बताया, उसके गुण अवगुण मुझसे और आपसे ज़्यादा इस देश प्रदेश का किसान जानता है। भविष्य को अंधकार में धकेलने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन आज सवाल ये बनता है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि भारत सरकार की जो अब तक नीति रही है, जो रवैया रहा है, जिस प्रकार से कानून बनाकर लागू किए, जल्दबाजी में किए, जबरदस्ती किए, और दो महीने से पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जमीन के हमारे धरातल पर रहने वाले, जीने वाले किसान भाइयों की ना सिर्फ बात को अनसुनी किया जा रहा है, लेकिन दुष्प्रचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, बहुत गंभीर विषय है कि सरकार के बनाए हुए कानूनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को सस्पेंड किया है और एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि किसान आंदोलन जिस तीव्रता से बढ़ रहा है और जो रवैया सरकार का है, 8-8, 9-9 बार वार्ता के लिए आप बुला रहे हो, कौन नहीं जानता कि आप किसानों को थकाना चाहते हो, डिले कर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरना चाह रहे हो, कौन नहीं जानता कि सरकार जिद्दी है, अड़ियल है, और कानून बनाकर उन्होंने सिर्फ इस बात को प्रदर्शित किया है कि मनमानी कर सकते, बहुमत हमारे पास है। अभी नीरज जी बोल रहे थे, सदन के अंदर जिस प्रकार पास किया, कोई मतदान नहीं हुआ, सदन में धक्का देकर पास कराया, राष्ट्रपति महोदय से सिग्नेचर करवा लिए, कानून लागू हो गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, मैं सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूं और उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कांग्रेस पार्टी हो या इस देश का सच्चा नागरिक हो, हम सब किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसान इस कमेटी को नहीं मानते तो हम किसानों की बात को मानेंगे। जो विश्वास पैदा किया है, उस विश्वास को पूरा करने के लिए सरकार को स्वतः ही इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। आज बात सिर्फ तीन कानूनों की नहीं है, जो वायुमंडल निर्मित हुआ है, जो वातावरण बनाया है देश में किसानों और किसानी को लेकर, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आप सबको याद है, यही बीजेपी की सरकार ने वादा किया था कि किसान की जो खपत होती है, बीज, बिजली, तेल, पानी, खाद, मेहनत, वो दाम वो तय करेंगे, 50% का मुनाफा किसान को मिले लागत के ऊपर, आज तक कहीं ऐसा नहीं किया। और जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, 6 साल हो गए, राज्य सरकारें बोनस दिया करती थी फसल के ऊपर, वो बोनस देने बंद कर दिए। बीमा कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया,
किसानों का बीमा करने वाली कंपनियों को पिछले 2 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया और छोटा किसान मुआवजा पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। नियमों को परिवर्तित करना, चंद बैंकों को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार ये घोर अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में पूरा देश एकजुटता से खड़ा है। इनकी सरकार ने साथियों पहले आक्रमण किया मध्यम वर्ग पर, किया कर्मचारियों पर, किया नौजवानों पर, किया छात्रों पर, किया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इस बार उन्होंने आक्रमण इस देश के अन्नदाता पर कर दिया, किसान पर कर दिया, और वो बर्दाश्त के बाहर है। कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ पूरे देश में, सारी फैक्ट्रियां बंद, उद्योग बंद, दुकानें बंद, धंधे बंद, सिर्फ किसान ने अपनी किसानी को नहीं छोड़ा। किसानों ने अनाज पैदा किया, आज भंडार भरे हुए हैं, हम लोग ताकत से खड़े होकर दुनिया का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे किसानों ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आज उस किसान को चेतावनी दे रहे हैं, उनको अपशब्द बोल रहे हैं, मीडिया में प्रचरण हो रहा है, अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। वो किसान जो देश का पेट पालता है, उसकी अवमानना हम कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। साथियों पूरे देश में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजधानियों पर कार्यक्रम रखा है, राहुल गांधी जी नेतृत्व दिल्ली में कर रहे हैं, और हम सबका दायित्व बनता है। आज कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव नहीं है, आज मतदान नहीं हो रहा, आज चुनावी भाषण नहीं हो रहे, लेकिन एक जागरूक नागरिक होते हुए हमें अपनी जिम्मेदारी का आह्वान करना पड़ेगा। आज इस देश की उम्मीद हम सब लोगों से है। 24 राजनीतिक दल देश में, आपस में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दों पर, इन कानूनों का विरोध करने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने देश की 2 दर्जन पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया है। एनजीओ हो, किसान संगठन हो, राजनीतिक दल हो, नेता हो, सबकी धारणा यह है, लेकिन जिद पर जो सरकार अड़ी है, उस जिद का तो एक ही इलाज है। अभी मन से लालचंद जी ने बोला और नेताओं ने बोला, अब जिद नहीं छोड़ेंगे तो फिर इलाज भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्ण तरीके से अब तक जो हल ढूंढने की कोशिश हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उसमें कुछ कामयाबी मिली है। आने वाले समय में हम लोगों को और तीव्रता से इस आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा और गांधीवादी तरीके से, शांति से, संयम से, विनम्रता से अपनी बात को मनवाना पड़ेगा। अरे सरकार के 3 कानून क्या है, जब देश का आम नागरिक महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के आह्वान में, जो 200 साल से अंग्रेज यहां देश में राज करते थे, उनको बिना गोली चलाए हमने भगा दिया था, ये 3 कानून कुछ बात नहीं है। इन कानूनों को वापस दिलवाएंगे, लेकिन हमें अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि आज तमाम नेतागण, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, किसान साथी, आसपास के इलाके के सब लोग यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आए। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय का कि आपने हम सबको यहां पर आने का मौका दिया। और साथियों अंत में आपसे इतना निवेदन करूंगा, पार्टियां, सरकारें, चुनाव, नेता आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये कानून अगर इतिहास में लिखे गए और आज हम लोगों ने विरोध करके कानून को खत्म नहीं करवाया, तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगे। बहुत गंभीरता से हमें इस आक्रमण को रोकना है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शांतिप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज किसान हमारी तरफ देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम सब यहां पर इकट्ठा हुए, आप सब लोग भी यहां पर आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम साहब।